अब है लिप। लिप के बारे में भी हम क्लास थर्ड में पढ़ चुके हैं। लिप किसे कहते हैं? लिप हर संसार में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है, ना कि केवल जो हम हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, केवल यही दो तरह की भाषाएं बोली जाती है, अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। उन अनेक तरह की भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिखने की इसी ढंग को हम लिपि कहते हैं। जो हम अलग अलग तरह का लिखते हैं उसी ढंग को हम लिपि कहते हैं। तो लिपि जैसे है भाषा, भाषा और लिपि। एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम देखिए हमारा लैंग्वेज है हिंदी। हिंदी का जो लिपि है कौन सी लिपि है? हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। वेरी गुड, देवनागरी। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसको हम देवनागरी लिपि में लिखे हैं। लिखने का तरीका जो है, जैसे हम लिखते हैं राम जाता है, राम जाता है, ये लिखने का एग्जाम्पल हो गया। अब अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी की जो लिपि है वह क्या है? रोमन, रोमन लिपि है। इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो राम का लिखेंगे राम गोज, राम गोज। अब संस्कृत है, संस्कृत भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। जो हमारी संस्कृत भाषा है वह भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। जैसे इसको लिखते हैं राम गच्छति, राम गच्छति। तो हिंदी देवनागरी लिपि है, लिखते हैं राम जाता है। अंग्रेजी है, इसकी लिपि रोमन है, लिखी है राम गोज। अब संस्कृत है, संस्कृत की भाषा देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है और लिखती है राम गच्छत। तीन लैंग्वेज है और तीन लिपि है और तीनों का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया ना कि अलग अलग वर्ड का प्रयोग किए कि नहीं किए, अलग अलग ढंग से लिखे हैं इसको कि नहीं लिखे हैं? आया समझ में ना? वेरी गुड। अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब वह भाषा जो अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है। जैसे राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र है, जिस राष्ट्र में सबसे ज्यादा जिस भाषा का प्रयोग होता है उसी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे भारत में, हमारे राष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रयोग हिंदी का होता है। किसका प्रयोग होता है? हिंदी का। तो हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वह क्या है? हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, वह भाषा जिसका प्रयोग अधिकांश भूभाग पर किया जाता है, देश के अधिकांश जगहों पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और उसी भाषा में ही वहाँ के सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं। जैसे हमारे देश की भाषा जो है वह हिंदी है, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, अधिकतर जगहों पे हिंदी का प्रयोग होता है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और हमारे जो भारत की प्रशासनिक कार्य है, जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, वह हिंदी में ही होते हैं। हमारे पास इंग्लिश में लिख के नहीं आता है, हिंदी में ही सारे कार्य होते हैं। और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कब किया गया था? कब किया गया था? हम लोग अपने स्कूल में सेलिब्रेट भी करते हैं उस डे को। किस डे में सेलिब्रेट करते हैं? 14 सितंबर। वेरी गुड, 14 सितंबर, 14 सितंबर
को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर सन 1949 को, तभी से हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आया समझ में? अब है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा, भारत एक विशाल देश है और भारत में अनेक प्रदेश हैं। अनेक प्रदेश है ना, तो उन अनेक प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जो अलग अलग प्रदेश हैं, उन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, उन्हें ही हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। भारत एक विशाल देश है, एक बहुत बड़ा देश है और उसमें अनेक प्रदेश हैं। उन अनेक प्रदेशों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे है प्रदेश और भाषा, जैसे असम है, असम में किस भाषा का प्रयोग होता है? किस भाषा का प्रयोग होता है? असमिया। वेरी गुड। असम में असमिया बोला जाता है। अब उड़ीसा है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। तमिलनाडु में किस भाषा का प्रयोग होता है? तमिल। वेरी गुड। ऐसे ही महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, केरल में तमिल बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है। ऐसे ही अनेक, कर्नाटक में कन्नड़ है, केरल में मलयालम है, महाराष्ट्र में मराठी है, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है। ये सब तो हम होमवर्क में दे देंगे, आप इसको होमवर्क में ही करके लाइएगा। अब बाकी व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं? अब व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए बनाए गए नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हम किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने और बोलने के बनाए गए नियमों को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध और सरल बना देता है। अभी हम कोई भी भाषा लिखते हैं, अगर उसमें हम व्याकरण का प्रयोग कर देते हैं तो वह भाषा शुद्ध और सरल हो जाता है, उसको हम सरल तरीके से समझ लेते हैं और लिखने में भी हमको इजी हो, लिखने में भी हमको प्रॉब्लम नहीं होती है, लिखना भी हमारा सरल हो जाता है। तो जितनी भी भाषाएं हैं उनके भी अलग अलग तरह के व्याकरण है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा का व्याकरण अलग है, इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा का व्याकरण अलग है, संस्कृत है, संस्कृत भाषा का भी व्याकरण अलग है। तो जितनी भी भाषाएं हैं उतनी ही व्याकरण है और सबके व्याकरण अलग अलग है। तो व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए बनाए गए नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है और व्याकरण से ही हम सेंटेंस को, वाक्य को शुद्ध और सरल रूप में लिख लेते हैं। आया समझ में ना? अब एक बार ऊपर से हम रिपीट करें। भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के तीन प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा को समझने के लिए इशारों और संकेतों की जरूरत होती है, मौखिक भाषा को समझने के लिए बोलने की जरूरत होती है और लिखित भाषा को लिखने और पढ़ने की जरूरत होती है। हम लिख के देते हैं और वहां से हमको लिख के रिप्लाई आता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा जो अधिकांश जगहों पर बोली जाती है, जिस राष्ट्र में सबसे ज्यादा जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो 14 सितंबर सन 1949
वंचास को घोषित किया गया था। फिर आया लिपि। लिप अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग ढंग के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लिखने की इसी ढंग को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी गई है। संस्कृत भाषा भी हमारे देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। अब आया प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा जिस प्रदेश प्रादेशिक भाषा भारत में अनेक प्रदेश हैं और उन अनेक प्रदेशों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अब व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने और बोलने के बनाए गए नियमों को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से ही सारे भाषा सरल हो जाते हैं, उसको लिखने का तरीका जो है वह सरल हो जाता है, समझने का तरीका सरल हो जाता है। अब आया समझ में ना? आ गया ना? अब कुछ होमवर्क है। अब आप होमवर्क अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। कुछ प्रदेश की कुछ प्रदेश लिखेंगे और उसकी भाषाएं आप खुद लिखेंगे। होमवर्क आप रफ कॉपी पे ही लिखिएगा, फेयर कॉपी पे नहीं, रफ कॉपी पे लिखिएगा प्रदेश और भाषा। प्रदेश में आप लिखिए महाराष्ट्र, इसकी भाषा आप लिखोगे। केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, ये पांच प्रदेश है। पांच प्रदेशों के भाषा आप लिख के ले आओगे। आप बताइए पूरे चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब जो भी प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर को आप रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो आप बताइएगा, उसके बारे में फिर से हम डिस्कस कर देंगे। क्लियर ना?